कर्तव्य पालन की महिमा। ग्रहा माँ विभीत, हे घरों में रहने वाले मनुष्यों, तुम मत डरो, निडर होकर रहो, निर्भय होकर अपने कर्तव्य को करो। जहाँ घर हो वहाँ निर्भयता रहे, किसी प्रकार शत्रु का कोई भय ना हो। माँ वैद्यम, भय से मत कांपो, किसी से डर कर कांपने न लगो, यह जानो कि तुम निर्भय हो। ऊर्जम विव्रता एमसी, यह जानो कि तुम बल का धारण करके हम इन घरों में आकर रहते हैं। हम बलवान हैं, इसलिए जहाँ हम रहते हैं वहाँ डरने और कांपने का कोई कारण नहीं है। भय न होने के और भी हेतु हैं। ऊर्जम विव्रत, मैं बलवान हूँ। सुमनः, मेरा मन अच्छे विचारों से युक्त है। सुमेधा, मेरी धारणावती बुद्धि उत्तम है। और मानसा मोदमानः, मेरे मन में आनंद रहता है, मैं आनंद प्रसन्न रहता हूँ। इन चार कारणों से मैं जहाँ रहूँगा वहाँ निर्भयता ही रहेगी। स्वयं निर्बल होगा, शारीरिक दुर्बलता होगी, मन में बुरे विचार आवेंगे, मन में हीनता दीनता के विचार आवेंगे, बुद्धि की धारणा ठीक ना होगी, मन ही खिन्न रहेगा, तो मनुष्य को भय होगा। पर जिसका शरीर सुदृढ़ और बलिष्ठ है, जिसके मन में शुभ विचार सदा जागृत रहेंगे, जिसकी धारणावती बुद्धि तेजस्वी होगी और जिसके मन में आनंद और प्रसन्नता के भाव सदा रहेंगे, उसके पास किसी तरह भय नहीं आएगा। और जहाँ वह रहेगा उस स्थान में भी निर्भयता सदा सुस्थिर रहेगी। निर्भयता किस तरह प्राप्त होती है, इस संबंध में वेद के ये विचार मनन करने योग्य हैं। इस तरह बर्ताव करके मनुष्य निर्भय हो जाए। जिस समय कोई मनुष्य प्रवास को जाता है, उस समय वह अपने उन घरों का कि जिनके विषय में वह सदा विशेष ख्याल रखता है, अथवा जिनके विषय में उनके हृदय में प्रेम का भाव रहता है, उन घरों की सुरक्षितता या आदर पूर्वक सत्कार करने के लिए वह सदा तैयार रहता है। इन घरों के लिए वह अव्ययी करता है, यह पद्धति सब जानते ही हैं। मानव स्वभाव ही यह है, न गृही सुगावः उपहुतः। हमारे घरों में गौएं सम्मान के साथ बुलाई जाती हैं, सम्मान के साथ पाली और पोसी जाती हैं। इतना ही नहीं, पर हमारे घरों में अजाव अवया भेड़ बकरी भी सम्मान के साथ उपहुता बुलाई जाती हैं और आदर से उनका पालन पोषण किया जाता है। किसी भी पशु को हमसे कष्ट नहीं हो सकता, ऐसा हमारा उदारता का बर्ताव सबसे होता है। अन्नस्य कीलालः, अन्न रस उत्तम से उत्तम अपने पास संग्रहित करके रखते हैं, और जो अन्न जिसको जैसा चाहिए वैसा देते हैं, इसलिए सबका यथायोग्य पालन पोषण होता है। सबकी क्षेमाय शांतये कुश मंगलम, और शांति सुख के लिए गौओं को हम अपने पास रखते हैं। समयो न शांति की प्राप्ति और अनिष्ट को दूर करना ही हमारा कर्तव्य है, इसलिए शिवम कल्याण और क्षमम सुखम प्राप्त किया जाता है। मनुष्य है अपना कर्तव्य समझे और शत्रु का संपूर्ण नाश करने वाला, पर अपने सत्पक्ष के लोगों पर सजोश सह प्रीति करने वाले तथा प्रधाशनः शीघ्र और बहुत खाने वाले और साथ साथ खाए अन्न का उत्तम पचन करने वाले वीर मरुत हैं। जो वीर मर उत मरने तक उठकर शत्रु से लड़ते हैं वे मरुता हैं। ये मरुत प्रथम मर्ताशः स्यातनः, मर्त मानव थे, पश्चात देवत्व को प्राप्त हुए, पर अब उनका प्रभाव ऐसा है कि वह श्रुतोता अमृतः स्यात्, उनका उपासक अमर होता है। इन मरुतों को हम अपने पास बुलाते हैं, पर कर्म भेण दही है और सत्तु का मिश्रण करके वह मरुतों को समर्पण करने की इच्छा से उनको हमारे यज्ञ में हम बुलाते हैं। इसका सेवन वे करें और आनंद प्रसन्न हो। वीरों के चार लक्षण यहाँ बताए गए हैं, शत्रु का नाश करना, सज्जनों पर प्रीति करना, मरने तक धर्म युद्ध करना और अन्न का भक्षण करके उसका उत्तम पाचन करना तथा बलवान बनना, ऐसे वीरों का सम्मान करने योग्य हैं। मनुष्य से अनेक विध पाप होते हैं, कई पाप ग्रामे ग्राम के जीवन में होते हैं, कई अरण्य अरण्य में किए जाते हैं, कई पाप सभायाम सभा में
सभा के संचालन में, सभा के वक्तव्य करने के प्रसंग में, सभा में प्रस्ताव विधान में, इंद्रिय व्यवहार में होते हैं। नेत्र द्वारा पाप दृष्टि से दूसरे को देने से, कानों द्वारा पापी भाषण श्रवण से, जिह्वा द्वारा अवक्ष भक्षण के खाने से और अपेय पान करने से, मुख द्वारा अवक्ष भक्षण के खाने और अपेय अयोग्य भाषण करने से, स्पर्श द्वारा नदिकार स्पर्श सुख लेने की चेष्टा करने से, तथा अनन्याय इंद्रियों से जो अन्याय पाप होते हैं, उन सब पापों का संकल्प यहाँ करना चाहिए। और इसके पश्चात पूर्वक उन सब पाप का अवेजन करने का संकल्प करना चाहिए। इस पाप को दूर करने के लिए मैं अर्पण करता हूँ। इस अर्पण से यह सब पाप दूर हो जाएं, यह इस संकल्प का विषय है। इस तरह अर्पण करने से पाप दूर होता है, यह सुअहा ठीक ही कहा है, अतः इसमें कोई दोष नहीं है। पाप का प्रायश्चित होना चाहिए, यह बात यहाँ बताई गई है। हम सब दैवी देवों के साथ रहते हैं, अतः देवों की शक्ति से हम बलवान हुए हैं, इसलिए प्रत्यु संग्रामों में हमारा नाम नहीं हो सकता। हम देवी शक्ति के साथ उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं। आप ज्ञानी हैं, शांति करने वाले हैं। आप नीच स्थान के लोगों में जाकर उनको ज्ञान आदि का सहारा देकर उन्नत करने वाले हैं, इसलिए आप उन्नति करने वाले हैं। आप वृष्टि करने वाले, नव जीवन देने वाले और अन्न समर्पण करने वाले हैं। अतः आपकी महामहिमा बड़ी वर्णनीय है, इसलिए हमारी गौवाणियाँ वीर मर्दों को वंदते नमन पूर्वक प्रशंसा करती हैं। मनुष्य यदि उन्नति चाहता हो तो वह देवी संपत्ति वाले वीरों के साथ रहे, धर्म युद्ध में अपना कर्तव्य करे, ज्ञान प्राप्त करे और ज्ञान देकर दूसरों को ज्ञानी बनाए, नव जीवन से लोगों के जीवन उच्च बनाए। जो ऐसा करेंगे वही प्रशंसनीय होंगे। कर्म कृतः कर्म करने वाले पुरुषार्थी लोग मयो भुवा वाचा सह प्रसन्नता करने वाली शुभ वाणी बोलते हुए, शुभ मंगलम भाव जिसमें है ऐसी पवित्र वाणी बोलते हुए कर्म अकरण कर्म करते आए हैं। सज्जनों की यही परिपाटी है कि वे मंगल भाषण के साथ कर्म करते हैं। वेद मंत्रों की वाणी मंगलवाणी है, वेद मंत्र बोलकर कर्म करते हैं। वाणी में अशुभ विचार नहीं रहना चाहिए, शुभ विचार ही वाणी में रहने चाहिए। इसका कारण यह है कि अशुभ विचार वाणी से प्रकट होते ही मन बुद्धि चित्त में मलिनता आने लगती है, इसलिए सदा इस विषय में सावधान रहना चाहिए। देवेभ्यः कर्म कृत्वा देवों की प्रसन्नता के लिए सुयोग्य शुभ कर्म करने के पश्चात ही अपने अपने अस्तम इति प्रज्ञा घर को ये कर्म करता करता चले जाए। सब लोग एक स्थान पर जमा हों, वहाँ शुभ वाणी बोलें, शुभ भावना मन में धारण करें और शुभ कर्म करें। यथा योग्य रीति से शुभ कर्म करने के उपरांत अपने अपने स्थान को चले जाएं। पाप से बचने के साधनों का वर्णन यहाँ है। तीन प्रकार के पापों का उल्लेख यहाँ है, शारीरिक इंद्रियां संबंधी और मानवों के संग संबंधी। ऐसे तीन पापों का उल्लेख यहाँ किया गया है। शारीरिक मल या अपवित्रता यह एक उपाय है, पाप है, इससे नाना रोग होते हैं। ये मल स्नान से धोए जाते हैं। अग्नि गात्राण शुद्ध्यन्ति मनु, जल से शरीर एक अवयव शुद्ध होते हैं। इस तरह शरीर शुद्धि के लिए नदी आदि जल स्थान में जाकर स्नान करना चाहिए। इस स्नान का नाम अवभूत है। अवभूत का अर्थ हटा देना, निकाल देना, दूर करना, स्नान शारीरिक मलों को दूर करना, इसलिए स्नान को अवभूत कहते हैं। यज्ञ समाप्ति के समय करने के स्नान को अवभूत कहा जाता है। यह स्नान किस स्थान पर करना चाहिए, इसके विशेष निर्देश यहाँ कहे गए हैं। सब नदियाँ निचेरु निम्न भाग में प्रवाहित होती हैं, इसलिए वेग वाली होती है, पर बड़े वेग से जहाँ पानी चलता है वहाँ अच्छी तरह स्नान नहीं किया जा सकता, वह जाने का डर रहता है। इसलिए स्नान करने के लिए ऐसा स्थान ढूंढना चाहिए कि जहाँ ने चुमपुड़ा मन गति से पानी चलता हो, पानी में बिल्कुल गति न रही हो, वह जल स्नान के लिए अयोग्य है। अतः मंद गति वाला शुद्ध जल प्रवाह स्नान के लिए पसंद करना चाहिए और वहाँ स्नान करना चाहिए। इस स्नान से शारीरिक मलों का दूरीकरण होता है। यहाँ बहुत वेग वाला और बिल्कुल गतिहीन ऐसे दो जलाशय स्नान के लिए अयोग्य कहे गए हैं, यह स्मरण रखने योग्य है। देवई देव कृतम येना
इंद्रिय संबंधी इंद्रियों के क्षेत्रों में जो पाप होते हैं वे विषयों के संबंध में पाप हैं। 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं, इनके पाप हो रहे हैं। मनुष्य अपने व्यवहार को देखे और इनके पापों का विचार करे।